हेलो पाकिस्तानियों, जहाँ दिग्गज खड़ा वहीं मारूंगा। शू के अंदर इंजरी हो गई थी, वो थोड़ा मेरे को अभी है। हाँ भैया, क्या हो रहा है यहाँ पे? पेड़ के पीछे क्या हो रहा है? कहाँ है गजक? तो भाई रजत गिनेशीली आंखों के साथ हम पहुंच गए हैं भाई लोंगे वाला बॉर्डर। मेरा इसने साथ दिया है, मेरी सारी वीडियो इन्होंने बनाई है, तो बैक ऑफ द कैमरा इनको थोड़ा शाउट आउट है। ये देखो गंदी गंदी हरकतें वीडियो में, कट कट कट। बहुत ठंडा भाई साहब। रखा माल ये अजासी लब दी, गबरू दी गड्डी चौकरासी लब दी। भाई क्या हाल चाल आप सब भाई हो गए, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सूरज उठ चुका है और हम नहा धो गए, बाबू बन के रेडी हो गए हैं। सुबह लेट उठे ऑब्वियसली, वही 10 बजे, और ऑब्वियसली बहुत लेट थे। उठा नहाया धोया जल्दी से, नाश्ता किया और अब जाके मेरे को फ़ोन उठाने का टाइम मिला है। इज़ अ प्रोटीन शेक, ये पी चुका हूँ मैं, और अब नाश्ता वाश्ता करके वहाँ पे अपना ग्रुप रेडी है। यहाँ से निकल के अब थोड़ा व्लॉग व्लॉग करके फ़ोटो वोटो खींच के, वैसे हीरो लग रहा तुम्हारा भाई है, बातचीत पूरी है। हाँ तो फोटो वोटो करके व्लॉग व्लॉग करके उसके बाद अब आगे जाएंगे। गला पहले से बेटर है, रात को गर्म पानी थोड़ा पिया था मैंने, बट यार जो पैरों का दर्द है ना, एक्चुअल में जो शू के अंदर इंजरी हो गई थी वो थोड़ा मेरे को राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन हमारी लोंगे वाला बॉर्डर, और हम जाएंगे आज कुलधारा। तो ये दो हमें चीज़ें कवर करनी है, सो वी विल कवर इट टुडे, और आपको दिखाते हैं कितना मज़ा आने वाला है। जूतों में फिर रेत भरनी शुरू हो गई क्योंकि फिर रेत वाली जगह है। सो लेट्स गो, आगे अपने ग्रुप दिखाते हैं, आगे चलते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। तो भाई अपन सारे लोग रुके हैं अभी ये बीच सड़क पे फोटो खींचने के लिए। ऐसे हमने बारालाचा पे ली थी खाली सड़क, उधर बर्फ़ थी दोनों तरफ और पहाड़ थे, यहाँ पे रेत है, तो थोड़ा वो बस लोकेशन का हिसाब हो जाता है और पैर फसल हो जाता है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं यहाँ से बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर पे जाएंगे हम लोंगे वाला बॉर्डर, इधर से व्यू अच्छा रहा है, और जा जू के जो है अपना एंजॉय करेंगे। सारे लोग मज़े कर रहे हैं, मेरे दोस्त उधर है, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और मज़े हो रहे यार, अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी बस के अंदर भी थोड़ी बकचोदी कर रहे थे, और यहाँ से बस 10 से 15 मिनट रुकेंगे। टाइम अभी तक अगर देखा जाए तो हो चुका है 11:53, बफर टाइम है बस 15 मिनट का ये, तो ठीक है यार आगे चल रहे हैं हम समय से। भाई समय हमारी लेन देन ना करते, बस ये भी दिक्कत होती है। तो ले आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाकी कैप्टन तो है ही, मेरा इसने साथ दिया है, मेरी सारी वीडियो इन्होंने बनाई है, तो बैक ऑफ द कैमरा इनको थोड़ा शाउट आउट है। ये देखो गंदी गंदी हरकतें वीडियो में, कट कट कट। ये लोंगे वाला बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर उस तरफ जाता है, वो 15-20 किलोमीटर आगे वहाँ एंट्री नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको मूवी, एक मूवी चलती है जो मिलिट्री वालों ने खुद स्पेशली बनाई हुई है यहाँ पे दिखाने के लिए, मिलिट्री वालों की खुद की स्पेशल मूवी है, वो लोग यहाँ पे शो करते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है, 20 मिनट की मुश्किल से, वो मूवी जरूर देख लेना। बहुत म्यूजियम है, टैंक्स है, ठीक है, किसी बात करनी किसी सोल्जर से, वो जो भी अपना इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो। पीछे पूरा पार्क बना हुआ है, उधर भी कैंटीन है, इधर भी कैंटीन है, पाक आर्मी के टैंक्स है, पूरे टैंक्स है यहाँ पे, ठीक है। पूरी स्टोरी आपको उस मूवी में दिखाई हुई है, स्टोरी बहुत सही जगह पे लिखी भी हुई है आपकी, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा मिलिट्री प्लेस है, डेकोरम मेंटेन करके रखना है, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है। जो चीज लिखा हुआ है छूनी है वो नहीं छूनी है। और प्लीज 1:30 पे वापस यहाँ पे मिलना है सबको। मूवी की टिकट का लाइन लंबा लगता है, पहले जाके मूवी की टिकट लेना, ठीक है। अपन पहुंच गए लोंगे वाला बॉर्डर, और यहाँ पे खैर मूवी वूवी चलेगी, अपना घूमेंगे फिरेंगे, फोटो वोटो लेंगे, दिखाते हैं आपको सारा हमारा हिस्ट्री जो पाकिस्तान की हमने लेके रख ली थी 71 में 72 में जो भी है, इनका आज फाड़ के 74 करते हैं। सालों पाकिस्तानियों, जहाँ दिग्गज खड़ा वहीं मारूंगा। जीप फट रखी है सालों की, टैंक ले रखा है सालों का, जीत लिया पैन टैंक ने। हम मूवी की टिकट के लिए भी लग रहे हैं, मूवी की टिकट हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। टैंक पकड़ रखा है इनका, ये इस टाइम में ना जिंदा टैंक पकड़ा सालों का। अरे नहीं, ये साल। और ये एरिया है, यहाँ से 15 किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, तो हम ये जगह घूम रहे हैं अभी। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, सल्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जी तो देखिए एक जीप खड़ी है, ये भी इनकी पकड़ रखी है, वहाँ पे एक पोस्ट बनी हुई है, तो एक बहुत बढ़िया अच्छी प्रॉपर जगह है यार। मेडल गिवन टू द वॉरियर्स, भाई साहब मेरा
So we are gathered here for a movie. यहाँ मूवी हमें शो करी जाएगी यार. से अफरा तफरी में निकलने के बाद अभी इन्होंने कहा है कि यहीं खा पी लो आसपास ही, और जैन रेस्टोरेंट में आए हैं क्योंकि रात को 11 बजे खाना मिलेगा और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और लंबा टाइम हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से कुलधारा जाना है, फिर वहाँ से निकलना है, अभी है घर के लिए तो लंबा रास्ता हो जाएगा. तो लेट्स सी, और यहाँ पे खाते पीते हैं और थोड़े से डोले और बनाते हैं, चलते हैं थोड़ी देर में. रोटी रोटी खा के निकलता हूँ सीधा यार ये अपने नवाब साहब सारे, और थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर सीधा आपको कुलधारा में मिलता हूँ. राइट नाउ वी आर एट कुलधारा विलेज, यहाँ पहुँच गए हैं और ये पूरा विलेज अबेंडन है, मतलब खाली. ये देखो पीछे ये जाने का रास्ता है और ये शाम को बंद हो जाता है. इट्स द इंडिया सेकंड मोस्ट वांटेड प्लेस, मैंने जो स्टोरी सुनी है, ब्लॉगर्स देखे हैं मैंने, एक तो देखे वो होता है मेरे को बुला रहे हैं, एक सेकंड आता हूँ यार. 300 साल पहले यहाँ पे पूरे पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे एंड यहाँ का किंग भी था. तो पालीवाल ब्राह्मण्स के जो हेड थे, हेड ब्राह्मण बेटी को जो राजा थे उसकी प्रधानमंत्री सलीम सिंह वो पसंद आ गई और उन्हें शादी करने के लिए उनको भेजना शादी के लिए फोर्स किया, प्रेशराइज किया उनको, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करवाएंगे. तो सुबह होने से पहले एक दिन जितने भी ब्राह्मण थे पूरी कम्युनिटी ये गांव छोड़ के चली गई और जाने से पहले ये कर्ज कर गई, श्राप देकर गई कि उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, तब से गांव खाली पड़ा है. ओह माय गॉड. भाई आदित्य भाई ने बताई प्यारी जी एक स्टोरी, शरापित स्टोरी. तो लेट्स एक्सप्लोर दिस विलेज. ये पूरा विलेज अबेंडन है, मतलब खाली खाली पत्थर पड़े हैं सारे, और कुछ नहीं है ना. साल से नहीं, 300-400 साल से ऐसे ही पड़ा है. और तो यार छोड़ के चले गए थे जो सामान था वो भी बाद में ऐसे ही मिला है. तो एक्सप्लोर करते हैं इसको, क्या क्या मिलता है. वैसे मिलना तो कुछ नहीं है, ईटा ही पड़ी हुई मिलेंगी इस तरीके से, लुक देखो. लेकिन अगर कुछ मिला तो वो छलावा होगा आदित्य जैसा, कोई एक सामने बंदा ना आ जाए. तो चलो यार इन्जॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ पे है, और बने रहो यार. ये लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, खाएंगे पियेंगे और भाई का बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे. भाई ने इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई थी, मज़ा आ गया. तो भाई ये है अपना एक कुलधारा का एक छोटा सा मंदिर, मंदिर में एंट्री अलाउड है, बाकी तो देखो कितना एक्सप्लोर मैं कर पाता हूँ. लेट्स सी. एडवेंचर घर है ये तो, नॉर्मल एक और कुछ नहीं है यार, बेडरूम घर है बस, और नॉर्मल एक घर है और कुछ नहीं है. ये है एक गुलधारा का एक और घर. दिस इज ऑल एन अबैंडन्ड प्लेस, इट्स नथिंग. जय शिव शंकर महाराज. अ प्योर अबेंडन विलेज, पूरा कुलधारा ऐसे ही है यार, पूरा का पूरा अबेंडन खाली विलेज, कुछ नहीं मिलेगा आपको, टूटे हुए घर और ये दस. बस ये एक है कि हाँ एक श्राप था तो या ऐसे ऐसे हो गया. जस्ट एन अबेंडन प्लेस, नथिंग एल्स गाइस, नथिंग एल्स. लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो देयर. वो ग्रुप के थोड़े बहुत बंदे हैं तो यार इसमें कुछ ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ, आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा दिखाने का इसमें है. फिर भी यार शॉर्ट्स डाल दूँ अच्छे अच्छे कुछ जो मिलते हैं मुझे एक अलग तरीके से. Thank you.
इज हैपनिंग हियर? ओए ब्लॉगर आ गया। व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओए रेड हैंड पकड़ो इनको। हां भैया क्या हो रहा है यहां पे? पेड़ के पीछे क्या हो रहा है? हमने भूत पकड़ा है। पेड़ के पीछे क्या हो रहा है? अपना सांप छोड़ के। ये क्या हो रहा है? ये है टॉप व्यू कुलधारा से। ये सन है, ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये बड़ी नीति बताई तुमने यार, है ना? सेट हो जाएगा। सन तो सेट हो ही जाएगा। ये देखो दो दो दिखा रहे हैं, दो सन दिखा रहे। ये छत हिल रही है भाई, ये तो कब कांप रही है भाई, सब छोटी छोटी। नीचे बीच में गिर जाऊँ, जल्दी नीचे उतर दो यहाँ से। तो अभी ये सनसेट हो रहा है हमारा, और अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, 5:30 हो गया। दिल्ली निकल लेंगे 6 बजे तक, सुबह तक घर जाना है, फिर ऑफिस का काम करना है, और फिर सैलरी भी तो बढ़ानी है ना जल्दी जल्दी, तभी तो होएगा काम। तो यार चैनल सब्सक्राइब करो बढ़िया से, और चलता रहेंगे ब्लॉग सब। फोटो वोटो खींचता हूँ और यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ। अब नहीं हो रहा, अब नहीं रुका जा रहा, बहुत बढ़िया जा रहा है। बैटरी जाने वाली है एंड वी आर रेडी टू आवर्स दिल्ली नाउ। यहाँ पे चेंज करने के लिए या वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बस को रोका था, तो अब मैं सीधा हाईवे वगैरह मिलूंगा जहाँ पे हम खाना खाने के लिए कुछ बैठेंगे डायरेक्ट। तो अभी मैं बस में जाके सीधा सो जाऊंगा। सो टाइम टू एंड दिस ट्रिप, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। और सीधा दिल्ली जाके मिलता हूँ, हाईवे मिलता हूँ आपको, बताते हैं, बताना कि अब तो जो होना था वही है। सो लेट्स गो एंड करते हैं इंजॉय इस ट्रिप को। घर पर जाने की चीज़ को भी इंजॉय करना चाहिए, नींद भी आ रही है, सोता हूँ, ये चीज़ निपटा के मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो भाई इतनी ज़बरदस्त ठंड है, अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:30, और हम यहाँ हाईवे पे कहीं रुके हैं, जंजगंजी वाले के आसपास रुके नहीं हैं एक्चुअली। यहाँ थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए आए थे, 10-15 मिनट का ब्रेक है, यहाँ से निकल रहे हैं। गला पूरा बैठ चुका है ठंड के मारे, हालत ख़राब है भाई साहब, ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी नहीं है, ये हालत देख लो। तो भाई टाइम टू एंड ट्रिप, टाइम टू एंड व्लॉग, दिल्ली मिलना ना क्या ही ऑन करूँगा, यहीं पे एंड करते हैं इस ट्रिप को, खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सीरीज यार, मेरे को प्लीज़ बताना एक बार, ब्लॉग के अंदर लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियोस को, और बताना कि कैसा आपको सब बढ़िया रहा। डॉक्टर साहब हमारे आ गए हैं, तो लेट्स गो एंड एंड द ट्रिप। तो कैसा था ये रिव्यू आ गया, बहुत ठंडा भाई साहब, बस बंद कर रहा हूँ, अब हाथ से नहीं हो रहा हूँ उसे। बाय 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 बाय। साड़ो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया ना, हराम जादो बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। खत्म।